महिला की हत्या कारित करने के आरोप में हरपुर बुधट थाने की पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने किया खुलासा। मौसम में हुआ बदलाव, दिन में कभी हो रही है धूप तो कहीं छांव, अगले दो दिनों में हो सकती है वर्षा, ना बरतें लापरवाही, पानी का अधिक से अधिक करें सेवन। मौसम में बदलाव होने पर किसी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर की लें सलाह, जिला अस्पताल में मरीजों का हो रहा है इलाज, जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डी के ठाकुर ने दी जानकारी। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने जनपद में चल रहे वृक्षारोपण के कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, संबंधित विभाग के साथ वृक्षारोपण की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो नदी में नहाने ना जाएं, नदी में डूबने वाले बच्चों को रस्सी व लकड़ी फेंक कर ही बचाएं, तैरना नहीं जानने वाला व्यक्ति नदी में ना जाए, डूबने की रहती है अधिक संभावना। प्रभारी पदाधिकारी राजेश सिंह ने बच्चों के गार्जियन से नदी में नहाने वाले बच्चों पर रोक लगाने की अपील। जीडीए के द्वारा रामगढ़ताल स्थित बंद पड़े वाटर पार्क पर बुलडोजर चलवाकर करवाया गया खाली, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा वाटर पार्क का लीज कर दिया गया था खत्म, अब वहां पर बनेगा कन्वेंशन सेंटर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। हरपुर बुधट थाने की पुलिस ने महिला की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रशेखर उर्फ नवीन सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी ग्राम सोनबरसा बाबू थाना हरपुर बुधट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में हरपुर बुधट थाना प्रभारी संदीप यादव, उप निरीक्षक मनीष त्रिपाठी, उप निरीक्षक मोहम्मद कादिर, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार, कांस्टेबल सचिन कुमार, पारस कुमार, सुधाकर यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा 21/22 जून रात में थाना हरपुर बुधट में एक विकलांग महिला की हत्या कर दी। 22 तारीख की प्रातः काल जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड पहुंचा, गहराई से घटनास्थल निरीक्षण हुआ, वरिष्ठ अधिकारीगण भी वहां पहुंचे और मृतका के भाई जो अपने ससुराल में रहते थे, इकलौते भाई हैं, वो आए और उन्होंने एक तहरीर दिया जिसमें उन्होंने गांव के ही एक शराबी प्रवृत्ति के व्यक्ति को नामजद किया था। पुलिस ने दबिश देकर के जब इस नामजद अभियुक्त को पकड़ा तो पता चला कि उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। महिला से उसकी काफ़ी निकटता थी कई वर्षों से, वो उससे कुछ पैसे चाहती थी जो उसने नहीं दिया था और ये लगातार अपनी ज़मीनें बेच रहा था, जिसकी वजह से उसने कहा कि ज़मीनें बेच करके दूसरों को देते रहते हो, अब मैं इस बात को पूरे गांव में प्रचारित करूँगी। परिणामतः उस हार्ट अटैक में विकलांग महिला की शारीरिक कमजोरी का लाभ उठा करके इसने उसी की स्टिक जिसके सहारे वो चलती थी उससे सर पर वार किया, जिससे वो लहूलुहान हो गई और एक दो बार और करके उसने पूरी तरह से उसे खून से लथपथ कर दिया और महिला की मौत हो गई। सवेरे भी ये हमदर्द बन करके वहाँ था, लेकिन जैसे ही डॉग स्क्वाड की पता चला कि आ रही है तो डॉग स्क्वाड के आने की सूचना पर ही वहाँ से खिसक गया कि डॉग उसे कहीं पकड़ न ले और यहीं फिर राज खुल जाएगा। लेकिन अपराध छिपता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एविडेंस मिलता है और इसी आधार पे सभी गांव के अधिकांश लोग और वादी ने इस पे जो आशंका व्यक्त की थी पुलिस ने पकड़ा और इस घटना का खुलासा हुआ है। इसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विवेचक लेकर के जा। जनपद में मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिसके संबंध में जिला आपदा
विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से धूप व छांव की स्थिति बनी हुई है और उमस ज्यादा है तथा गर्मी बहुत है। अगले दो दिनों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकल रहा है तो अधिक से अधिक पानी का सेवन करे। इसके अलावा सर को ढक कर ही बाहर निकले, जिससे कि लू से बचा जा सके और जब तक वर्षा शुरू न हो इसका ध्यान रखें। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अभी मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और आज तो जैसे धूप छाँव की स्थिति बनी हुई, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत है। लेकिन अगले एक दो दिनों में हम लोगों को अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है, तो ये आगामी कुछ दिनों में मतलब वर्षा प्रारंभ होगी। लेकिन ये मौसम में भी काफ़ी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर इस दौरान अपने घरों से बाहर निकल रहा है तो अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, पानी की बॉटल ले करके चले, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है और सर चेहरे को भी ढक कर के चले। जो लू के दौरान हमें प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, वो सेम प्रबंधन हमें इस दौरान भी करनी है, जब तक कि पूर्ण रूप से वर्षा प्रारंभ ना हो जाए। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डी के ठाकुर ने मौसम में बदलाव पर कहा कि सभी नागरिक जब भी धूप में बाहर निकलें तो सर को ढककर बाहर निकलें और पानी का अधिक से अधिक सेवन करें। यदि किसी तरह की समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लें। यदि स्किन की प्रॉब्लम हो तो स्किन के डॉक्टर को दिखाएं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डी के ठाकुर ने कहा, धूप में कम से कम निकलें और धूप में जब भी निकलें या तो छाता लगा लें सर सबसे पहले, और जब जरूरी ना हो तो धूप में निकले ही ना सर, और निकलते भी हैं किसी कारणवश एकदम जरूरी पड़ जाता है तो आप निकले तो छाता लगा लें, पानी खूब पिए, फुल स्लीव का आप पहन लें। अगर फिर भी आपको मान लीजिए गर्मी से थोड़ा दिक्कत हो रही है किसी तरह की, हमारे डॉक्टर से कंसल्ट इमीडिएट करिए सर, तुरंत करके उनसे सलाह लीजिए, डॉक्टर की सलाह के ओआरएस पीजिए। हाँ, और गर्मी के चलते सनबर्न वगैरह हो गए तो हमारे स्किन स्पेशलिस्ट से दिखा लिए, दांत खुजली खाज भी हो सकता है तो उसके लिए भी ले लें, लेकिन उससे तो मौत होती नहीं। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने जनपद में वृक्षारोपण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त कुमार एनजी ने जनपद में हो रहे वृक्षारोपण की वन विभाग से जानकारी ली, जिस पर डीएफओ विकास कुमार ने बताया कि जनपद में वृहद रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रामगढ़ताल के सड़क के किनारे, इसके अलावा सड़कों के किनारे पौधों को लगाया जा रहा है और जहां कहीं भी जमीन खाली है वहां पर पौधा लगाया जा रहा है। लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीडीओ संजय कुमार मीना, डीएफओ विकास कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो फिर रात को बुलाएंगे ठीक है। पर्यावरण विभाग से पर्यावरण पर भलाई के लिए क्या करते हैं, अदर देन नोटिस इशू करके कम करने के अलावा बैठ लो यार। आप मुझे बता दो, आपका टारगेट आपको दिया गया है 5,99,000 ठीक है, कैसा इसको करवाओगे? तो हम प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने जनपद में नदी में नहाने वाले बच्चों की बातों पर कहा कि यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप नहाने मत जाइए, और बच्चों के माता पिता से अपील की है कि बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि तैरना नहीं जानने वाला व्यक्ति डूब जाता है। यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो सबसे पहले आप अपना बचाव करें, क्योंकि आप तैरना नहीं जानते और डूबते हुए व्यक्ति को बचाने जाते हैं तो डूबने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपके साथ वो भी डूब जाएगा। इसलिए डूबते समय आप आवाज़ दें और डूबते हुए व्यक्ति को रस्सी व लकड़ी फेंक कर ही बचाएं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूं और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। मैंने इसके पहले भी लोगों से अनुरोध किया है कि यदि आप तैरना ना जानते हों तो आप पानी में ना जाएं, और माँ बाप से भी अनुरोध है कि बच्चों को वॉच रखें, इसलिए कि पानी में यदि गए और यदि डूबने की स्थिति बनी तो फिर यदि किसी ने आपको बचाया नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, मैंने ये भी अनुरोध किया कि यदि आप तैरना ना जानते हों और कोई व्यक्ति सामने डूब रहा हो तो सबसे पहले आप अपना बचाव सोचें कि आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, इसलिए कि यदि आप तैरना नहीं जानते हैं और बचाने वाले को बचाने के लिए नदी में या नाले में उतर जाते हैं या तालाब में उतर जाते हैं तो जो डूब रहा होता है वो आपको इतनी कस के पकड़ लेता है कि फिर आप ना अपने आप को बचा पाते हैं ना उसको बचा पाते हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति बने आप चिल्लाएँ, लोगों को आवाज़ दें
और लंबी रस्सी या बांस या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के नदी नाले या तालाब में उतरें जिससे दूसरे को आप बचा सकें। गांव के माध्यम से और तहसील के माध्यम से ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लू भी है और इस समय बच्चों पर ज़रूर वाच रखें कि दोपहर के समय या किसी ऐसे समय में जब नदी या तालाब के किनारे कोई बचाने की स्थिति में ना हो तो नदी। जीडीए द्वारा रामगढ़ताल स्थित बंद पड़े वाटर पार्क पर बुलडोजर चलवाकर खाली करवाया गया, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जीडीए द्वारा वहां पर कन्वेंसिंग सेंटर बनाया जाएगा जिसमें 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यहां पर नेशनल व इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसको देखते हुए कन्वेंसिंग सेंटर बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस जमीन को लेवल किया जा रहा है जो कि 25 एकड़ में है। यह कन्वेंसिंग सेंटर 25 एकड़ जमीन में बनेगा। उन्होंने बताया कि वाटर पार्क का लीज जीडीए की तरफ से पहले ही खत्म कर दिया गया था और कब्जा भी पहले प्राप्त कर चुके हैं, आज केवल जमीन को लेवल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रेक्षागृह के पास वाटर पार्क बनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए जो कन्वेंशन सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं गोरखपुर में 5000 लोगों की कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसमें माइस एक्टिविटी जितनी होती हैं, जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी इंसेंटिव होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, आप देखते होंगे कि समय समय पर बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाने की परियोजना पे काम करना शुरू किया था। हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और उसके लिए इस ज़मीन को जो है लेवल किया जा रहा है, जिसमें 25 एकड़ में लगभग हम अपना कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए ज़मीन को तैयार किया जा रहा है। सर आज कार्रवाई हो रही है, सर एक किनका वाटर पार्क था और किस सरकार? मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, वाटर पार्क की बात तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। हाँ। बहुत पहले लीज भी जो है जीडीए की तरफ से खारिज की जा चुकी है और कब्जा भी जो है बहुत पहले ही हमको प्राप्त हम लोग कर चुके हैं। आज तो केवल कन्वेंशन सेंटर के लिए उस ज़मीन को लेवल किया जा रहा है। क्या सर जीडीए की तरफ से कोई वाटर पार्क गोरखपुर की जनता के लिए बनाया जाए? बिल्कुल, बहुत जल्दी जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक किड्स पार्क जिसमें सारे इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी जल्दी ही एक आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारा जो प्रेक्षागृह है प्रेक्षागृह के पास में एक पार्क है जो वाटर बॉडी के पास में, उसके ऊपर में एक किड्स पार्क जो है बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें इस प्रकार के सारे स्पोर्ट्स को जो झूले वगैरह हैं इनकी इनका आनंद जो है गोरखपुरवासी जो है अपने बच्चों के हाथ ले सकते हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दाऊदपुर चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अनेकों कार्य किए थे, मात्र 52 साल की आयु में अपना बलिदान दिया था। इसके अलावा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का पंपलेट घर घर बांटने का अभियान भी शुरू किया गया है, क्योंकि भारत हमारे लिए नंबर एक पर है, उसी आदर्शों पर भाजपा चल रही है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उनके बलिदान दिवस को कार्यक्रम को मना रही है। आज हम सब भी यहाँ दाऊदपुर के 314 नंबर के बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है और यहाँ पर एक गोष्ठी भी हम सब ने की है। साथ ही साथ मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार को उपलब्धियों को लेकर के घर घर में फोल्डर देकर के संपर्क करने का अभियान भी यहाँ प्रारंभ किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के पार्टी की स्थापना की थी, उनका मिशन था कि नेशन इज फर्स्ट, भारत हमारे लिए क्रमांक एक पर है, और उसी उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी काम कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान के खिलाफ आंदोलन किया था और 23 जून 1953 को श्रीनगर की जेल में उनका बलिदान हुआ था, आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं कि यदि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, तो उसके मूल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हैं। उनके बलिदान दिवस पर हम सब ये प्रेरणा ले सकते हैं कि मूल्यों के आधार पर राजनीति और उस राजनीति में देश क्रमांक एक पर हो,
यही हम सब उनसे सीख ले सकते हैं। मैं आज उनके बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ।